काफी सियासत पार्टियों को ये लग रहा है कि हमने भिवंडी के शेर खालिद भुट्टू साहब को पकड़ के जेल में डाल दिया है तो सब शांत हो गए हैं। शेर जख्मी है तो भी शेर शेर होता है। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। YouTube channel Bhivanji Mirror, press bell icon to get more notification, follow on Facebook, join with us on WhatsApp 7888161661। देखिए आज बड़ा खुशी का दिन है, खुशी का मौका है कि आज आप तमाम ने देखा कि किस तरह से हम जब भिवंडी में आए तो लोगों का पूरा जमावड़ा जम गया था। पूरी जो हमारी रैली चली, रास्ते से जो हमारे दोस्त हमको मिलने आए थे, दो घंटे तक हमारे साथ रहे, तमाम मैं हमारे साथ में हमारे जितने कार्यकर्ता हमारे सब एक साथ में आए, लोगों का प्रेम मोहब्बत देखने को मिला। बिल्कुल भिवंडी को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, भिवंडी में विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा किस तरह के खड्डे हैं यहाँ पर। मैंने अपनी स्पीच में भी बताया खड्डों का जिक्र किया। तो अब अगर आपको सत्ता में आए हो तो आपका फर्ज बनता है काम करो। अभी लॉकडाउन तो नहीं है, जब पोस्टल रोड जैसे काम हो रहे, डैम बन रहे, सब बन रहा है, तो आपको रास्ते बनाने से किसने रोका? एक छोटी सी बात है, रास्ता आपने नहीं किया। दूसरा, विकास के लिए आपने क्या किया? लॉकडाउन में कितने लोग बेरोजगार हो गए, ना उसके लिए आपने कोई जॉब फेयर लगाया, ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि यहाँ के जो जीते हुए लोग हैं उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है, और लोगों की मोहब्बत जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है वो तो आप देख ही रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, यहाँ का फरवरी में चुनाव आएगा, लड़ेंगे। आने वाले इलेक्शन में कितने सीट पे लड़ने की तैयारी है? अब ये तो बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है कुछ बोलना इस वक्त। मैं तो आज आया हूँ, कार्यकारी बढ़ा हुआ है, मगर इंशाल्लाह चुनाव जरूर लड़ेंगे भिवंडी से। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद आएंगे यहाँ पर, भिवंडी में सभा करेंगे, जलसा करेंगे। और चुनाव का बिगुल तो हम 5 साल पहले बजा देते हैं, जिस दिन से हम चुनाव के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं उस दिन से हम लगी जाते हैं पूरी तरह। इलेक्शन खत्म, चुनाव की तैयारी शुरू, बिगुल की कोई बात नहीं, हम बस काम कर रहे हैं। चुनाव में क्या गठबंधन से लड़ेंगे या फिर अकेले देखेंगे, जिसको आने आए साथ में। हमारा तो टारगेट है बीजेपी सेना को, हमको हराना है, खत्म। अभी फिलहाल ये बोलना बहुत सही नहीं है। अगर हमने खालिद भुट्टो साहब ने 44,000 वोट लिया था, एक आदमी बड़ी बात। सर, चुनाव में तो हमेशा मुद्दे जो है गटर रोड और ये सब, खासतौर से एमआईएम का मुद्दा क्या रहेगा? हमारे मुद्दे ये है कि इतने सालों से जो आपने वोट लिया, यही मुद्दे बताकर लिया था आपने, आपने नहीं किया। लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स यहाँ से जीत कर बलदिया में जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी में जाते हैं, तो बिल्कुल आपका काम 100%। हम हमारे काम से ही जाने जाते हैं, अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी, काम ही हमारा पैसा है, काम करने में मानते हैं। एमआईएम के जो 44,000 वोट के भरोसे बैठी है, उनका खुद का भी कुछ टारगेट है? एमआईएम पब्लिक की मोहब्बत देख रहे हैं, एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए पब्लिक की मोहब्बत आज जो है पूरे देश में, भिवंडी की आवाम के दिल में भी, वो आप सबने देखा। और मुझे यकीन है कि भिवंडी की आवाम असद ओवैसी साहब को देखते हुए पूरी तरह से उनका साथ देगी, अपनी मोहब्बत से नवाजेगी, अपनी दुआओं से नवाजेगी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भिवंडी ही नहीं पूरे देश में कामयाबी मिली। देखिए, हमने डीजी से बात किया जाके, डीजी साहब ने हमसे कहा कि उनकी इंक्वायरी बैठी है, इंक्वायरी चल रही है, जो भी है सब झूठ सामने आएगा। लेकिन जो हमारे पास भी एविडेंस है, हमने पेश किया है, हमको यकीन है कि खालिद भुट्टो साहब को बेकसूर एक पॉलिटिकल वेंडाटा के जरिए फंसाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। वो बेकसूर इंसान जेल में है, मगर मुझे यकीन है कानून पर भी कि वो ज़रूर जल्दी से जल्दी रिहा हो जाएंगे, आएंगे और हमारे साथ आपके बीच सर देखा जाए। पार्टी, आप वकील हैं और इस पे मतलब ऐसे में आपने इसके ऊपर मतलब क्या कोर्ट में कोई न्याय के लिए कुछ दाखिल
उनके बेल एप्लीकेशन डाले, बेल भी हुई है काफी केसों में, अब जो एक दो कुछ बचा है उसके अंदर भी बेल हो जाएगा। क्या लगता है आ जाएंगे? मुझे बहुत यकीन है कि बहुत जल्दी आ जाएंगे, मुझे देश के कानून पर पूरा यकीन। सर अभी आपने कहा कि एमआईएम ने अभी इलेक्शन का बुगुल नहीं बजाया, बुगुल नहीं बजाया तो क्या आगे बुगुल कब बजाएंगे? एमआईएम ने मैंने क्या कहा, जब पिछला चुनाव खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से हमने बिगुल बजा दिया, हम नेक्स्ट डे से काम पे लग जाते हैं, हमारी सारी पूरी टीम काम पे लगी हुई है। आप देखिए चुनाव आएंगे चुनाव जाएंगे, पब्लिक के बीच में रहकर उनका काम करना सबसे बड़ा मानवता के प्रति। यानी में पार्टी दो गुटों में बटी हुई है, पार्टी साफ साफ नजर आता है, इससे कहीं पार्टी को नुकसान तो नहीं हो रहा है? आपका भरम और आपका वहम है, ये भरम पब्लिक को सामने दिख के आ रहा है। पार्टी किसी में बटी हुई नहीं है, शादाब भाई है, अमोल भाई है, अबरार है, हमजा है, ये तो हमारे कॉर्पोरेटर है, सब साथ में, हम साथ साथ है। ये कुछ लोगों को तकलीफ जो हो गई है पेट में, जलन हो गया है, घबराहट हो गया है, लोग इस तरह की अफवाहें बात फैलाते रहते हैं कि इनमें आपस में इंतजार है, बटी हुई है, कोई बटी नहीं हुई है, ये पांच उंगली है, एक मुट्ठी है, हम एक है। सोशल मीडिया पर साथ साथ जिस तरह से देखा जाए एमआईएम के एक पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है विरोध मतलब ये कार्यक्रम विरोध कर रहे हैं, क्या किधर है, वायरल वीडियो हुआ है, किधर है, किसने विरोध किया बताओ मुझे, कहाँ है विरोधी, विरोधी बताओ मुझे, कहाँ विरोधी, मुझे बताओ। नहीं अभी आपने सवाल किया, अभी आपने सवाल किया, मुझे बताओ विरोध कहाँ हुआ आपको लगा? अरे सारे दिल से जुड़े हुए हैं, ये दिल की प्रेम है, दिल की मोहब्बत है, साहब देख लो ये मोहब्बत ही लोगों की है जो इतने बारिश के अंदर भीग के पसीने में आपके बीच में खड़े हैं। जहां आप एक तरफ सेकुलर पार्टियों को लताड़ रहे हैं तो आपका सीधा टक्कर किससे होने वाला है? हमारी तो फाइट सबसे है भाई, हमारी फाइट बीजेपी से भी है, सेना से भी है, कांग्रेस समाजवादी सबसे हमारी फाइट है। तो लोगों की मोहब्बत हमारे साथ है, ऊपर वाले का हाथ हमारे सर पे है, और असद साहब का कारनामा काम और उनका जो जज्बा है और जिस तरह से वो लोगों के मसले मसाइल को पार्लियामेंट में स्पीचेस में हर जगह उठाते हैं, पब्लिक उनके साथ चल। हाईकमान ने कोई निर्णय लिया कि किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की, क्या कहेंगे? हाईकमान निर्णय लेंगे जब चुनाव का वक्त आएगा, अभी तो प्री मैच्योर स्टेज है। आज पार्टी ने पहले भी फैसला लिया था समाजवादी के साथ गठबंधन का, तो कहीं नुकसान तो नहीं साबित हुआ आपके लिए? पार्टी फैसला लेगी, अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुआ है, फरवरी में बोल रहे होगा, पता नहीं क्या होगा, कि शायद सरकार जा रही है उनको ओबीसी का जो है वो उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, मगर चुनाव होगा आज नहीं तो कल तो होगा ही चुनाव, तो हम तो चुनाव के पहले ही तैयारी कर। Please subscribe our YouTube channel, Vivanji Mirror, press bell icon to get more notification, follow on Facebook, join with us on WhatsApp 7888-161-661.